अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 8 ऑफ इंग्लिश ग्रेड 11th वेस्टलैंड की आज हम समरी करेंगे। द राइटर ऑफ दिस एसे लैमेंट्स, लैमेंट्स का मतलब होता है मातम करना, अफसोस का इजहार करना। द राइटर ऑफ दिस एसे लैमेंट्स अबाउट द केयरलेस बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टुवर्ड्स एनवायरमेंट। शी गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ कैंस, कैरफे, पॉलीबैग्स एंड डिफाइलेशन ऑफ ग्रासी बॉर्डर्स, कैरकेसेस, ट्रैश एंड स्मोक ऑफ factories. The common factor among all of above mentioned kind of garbage is its potential to destroy the peace and serenity of earth. They all are harmful to the nature and defile its beauty. Defile ka matlab hota hai masakh karna. Through this lesson she wants to awake the sleeping soul of humanity. She wants to provoke them by provoking realize them the sensitivity of the danger they are applying to the natural habitat. कि वो क्या करना चाहती है, इस लेसन के जरिए लोगों को प्रोवोक करना चाहती है, उनको उकसाना चाहती है, और उनको उकसाते हुए वो क्या करना चाहती है, लोगों को ये बताना चाहती है कि वो सोसाइटी के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। शी हैज़ बीन सक्सेसफुल इन अचीविंग हर टास्क ऑफ इनवोकिंग अ सेंस ऑफ रियलाइजेशन इन द मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स। व्हाइल टॉकिंग अबाउट द पोल्यूशन शी टारगेट्स द होल ह्यूमन सोसाइटी। Those who are polluting the environment are her special target. Through this essay, she wants to evoke a sense of awareness among the common folks. She assumes that people will take this issue seriously and avoid doing it in the future. अच्छा, मैनस जो के राइटर का नाम है, आर्ग्यूमेंट इज बेस्ड ऑन फैक्चुअल एविडेंसेस। शी टॉक्स अबाउट द डिफरेंट वेज ऑफ पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट एंड मेंशंस द थिंग्स वेरी एक्सप्लिसिटली एंड कैटेगोरिकली। हाउएवर हर वे ऑफ एक्सप्रेशन इज इमोशनल एंड बाय यूजिंग एन इमोशनल टोन शी वॉन्ट्स टू लेट अदर्स रियलाइज द सेंसिटिविटी ऑफ द इशू। तो चैप्टर नंबर 8 की आज हमने समरी की है, नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 9 की समरी करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारा जो ग्रामर का चैनल है इंग्लिश की लैंग्वेज सीरीज उसको भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।